चैनल सरकारी भारत। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, सीटेट के क्लासेस चल रही हैं जैसा कि आप सभी को पता है। और सीटेट की क्लासेस में ये आपकी जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट होता है, जिसमें 150 में से आपको 90 नंबर लाने होते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर का होता है तो 90 नंबर आपको लाने ही होते हैं। तो साथियों आप सभी को बता दें, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें मैथ आता है, तो मैथ के लिए स्पेशली इस चैनल पर आपके लिए क्लासेस लाई जाती हैं। सीटेट के अंदर प्रीवियस ईयर के PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पर कराए जाते हैं। तो अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीटेट की तैयारी करते हैं, जो BEd या BTC अपीयरिंग वाले होते हैं, और आपका जिन्होंने कर रखा है किसी कारणवश उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो वो स्टूडेंट भी, ये सारे के सारे ऐसे स्टूडेंट जो के हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, KVS की तैयारी, NVS, UPTET, SuperTET, या फिर आप रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, पंजाब से हैं, डीटर प्लस भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लियर है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल पर अब आपको इस वीडियो के अंदर सीटेट का मैथ्स के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चंस को एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन जो है वो आपका 2022 जनवरी के जनवरी में जो पेपर हुआ था उससे पूछे गए हैं, क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पर, गुणनफल 140×101 में क्या जोड़ा जाए कि 14,414 प्राप्त हो। देखिए, माना x जोड़ा जाए, आप अपनी तरफ से लेट कर लीजिए, x जोड़ा जाए तो 140×101 बराबर होगा 14,100, ये बराबर है 14,140 के। अब 14,140 में आप x ऐड कर दीजिए, बराबर किसके होना चाहिए, 14,414 के बराबर होना चाहिए, क्लियर है फ्रेंड्स। अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे इधर तो ये माइनस का हो जाएगा, क्लियर। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, 14,414 में से 14,140 माइनस करेंगे तो 274 बचेंगे, कितने बचेंगे साथियों, 274, और 274 ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान सवाल है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं सीटेट में। अब बताइए, ऐसा क्वेश्चन एक और है, ये क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। निर्देश दिया गया है, आपका स्टेटमेंट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो आपको बताना है, गलत बताना है, सही नहीं है मतलब गलत है। 3 घंटे 14 मिनट बराबर 194 मिनट, 3 घंटे में 60 मिनट के हिसाब से कितनी हो गई, 180 मिनट प्लस 14 मिनट यानी कि 194 मिनट, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये तो सही है। 2 किलोग्राम 30 ग्राम, तो 2 किलोग्राम का मतलब हो गया 2000 ग्राम, और 30 ग्राम का मतलब 30 जोड़ देंगे तो 2030 ग्राम, ये भी बात स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 3 लीटर 80 मिली लीटर, तो इसका मतलब 380 मिली लीटर थोड़ी होगा, 1 लीटर में 1000 ml होता है, ठीक, तो फिर ये हो जाएगा आपका कम से कम 3080 ml के करीब जाएगा, तो ये तो आपका गलत ही हो गया। तो यही पूछा था आपसे, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब स्टेटमेंट कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3080 ml होता तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाता, क्लियर है फ्रेंड्स। तो इस टाइप के सवाल आपके पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और छोटे से टाइम पीरियड में ही आप बहुत सारे क्वेश्चन कर जाएंगे, और ये पेपर में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेंगे। 11,111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल और शेषफल का योगफल, बहुत सारी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया, डिट्टो सेम टू सेम। 11 का भाग लगाएंगे 11,111 में, तो 11×11 तो नोट करेंगे 0, फिर 112 नोट करेंगे तो 00 नोट करना पड़ेगा, 11×11 फिर आपको नोट करना पड़ेगा 1, क्लियर। तो ये जो रिमाइंडर आ रहा है वो तो आ रहा है 1, शेषफल आएगा 1, भागफल आएगा आपका 10,010, क्लियर है। योगफल कितना आएगा, तो योग आएगा आपका 10,010 और 1 जोड़ देंगे उसमें, तो 10,011 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है, बहुत आसान सवाल है ऐसे हैं इस टाइप का। अब बताइए, डिवीजन मेथड पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, डिवीजन पे क्वेश्चन, भाग लगाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लेवल क्या रहेगा आप लोग समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, गुणनफल 102×201 में से क्या घटाया जाए कि ताकि इतना प्राप्त हो जाए। देखिए, इन दोनों को गुणा कीजिए और उसमें से x घटा दीजिए, तो 102 और 201 का गुणा करेंगे तो 20,502 हो जाएगा। अब 20,502 में से क्या घटाया जाए, तो 20,000
502 में से आप एक्स घटा दीजिए, बराबर में कितना आता है 19999 आता है। अब 20502 इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आएगा आपका 503। ऑप्शन कौन सा है? डी नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो 503 आपका बिल्कुल सही जवाब इस सवाल का हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन है 2 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। देखिए 2 का मतलब हो गया, एक होता है 90 डिग्री का, 2 का गुणा करेंगे तो 180 डिग्री का हो जाएगा। कितना? 180 डिग्री का। 2/3, अब 90 का 2/3 आप निकाल दीजिए तो 2/3 का गुणा कर दीजिए, 30 से गया 30 बार, 30 दूनी 60, तो 60 ही हो जाएगा। तो 180 और 60 कितना हो जाएगा? 180 और 60 ये कुल मिला के बन जाएगा आपका 240 डिग्री, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो 240 डिग्री आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सवाल है। क्वेश्चन पूछा गया है 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है, मतलब एक लीटर जूस का डिब्बा है वो घनाकार आकृति का है, इस तरीके से है वो। क्लियर है? जिसकी माप 8x8 सेंटीमीटर है, डिब्बे में जूस की गहराई सेंटीमीटर में किसके अधिक समीप होगी। तो ये आपको पूछा गया है किसके अधिक समीप होगी। देखिए घनाकार की गहराई घनाकार की ऊंचाई के बराबर होगी, भाई जो इसकी डीपेस्ट होगा वो क्या होगा, उसकी हाइट के बराबर होगा। तो घन की वजह कितनी? 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी? 8 सेंटीमीटर। डिब्बे में जूस की गहराई कितनी? 16 सेंटीमीटर से अधिक होगी। कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर से आपकी अधिक हो जाएगी क्या गहराई। क्लियर है फ्रेंड्स? क्योंकि आपको पता है, देखिए 8 × 8 और 16 का गुणा करेंगे इसमें तो 8 8 64, 64 में 16 का गुणा करेंगे तो 16 × 4 = 64 और 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, 96 × 6 = 1102, तो 1024 हो जाएगा। और 1 लीटर का मतलब कितना हो जाता है? 1000 के करीब होता है। क्लियर? 1000 आपका किसमें दे रखा है? सेंटीमीटर में। तो 1000 सेंटीमीटर क्यों, और ये 1024 सेंटीमीटर क्यों, तो यहाँ पर ये लगभग इसके पास है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सभी लोग। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको लगाना है। देखिए इवन नंबर जो होते हैं वो होते हैं जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब 14, 16, ये सब इवन नंबर होते हैं। ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, आपका 17, 19, 21, ये सब ऑड नंबर होते हैं। अब आपसे पूछा क्या, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल 1 सम संख्या है। अब अगर 3 विषम संख्या, 1 है, 3 है और 5 है, इनका गुणनफल कितना होगा? 15 आया। तो 15 क्या आया? विषम संख्याओं का गुणनफल विषम ही आएगा, तो यानी कि आपका ये तो गलत हो गया। कथन सही पूछा था तो ये तो गलत हो गया। 1 सम संख्या और 1 विषम संख्या का अंतर 1 सम संख्या होगा। आप बताइए 4 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सम संख्या हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो विषम ही हो रहा है, ये भी गलत हो गया। अब सेकंड पूछा, थर्ड क्या पूछा है? देखिए फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया। 2 विषम संख्याओं और 1 सम संख्या का योगफल 1 सम संख्या होगा। सोचते हैं 3 और 5 को ऐड कर दीजिए, दोनों विषम संख्या, 1 सम संख्या 6 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 11। ये विषम हो गया, ये क्या बोल रहा है? सम होगा, तो ये भी गलत हो गया आपका। क्लियर है? 2 विषम संख्या और 1 सम संख्या का योगफल 1 सम संख्या होगा, लेकिन इस वाले नंबर पर अगर चेक करते हैं 37, 41। क्लियर है? ये तो नहीं हो पाया। यहाँ पर देखते हैं 5 + 7 + 6 ऐसे करते हैं तो 18 हो जाएगा, ये 1 सम संख्या, ये वाला ऑप्शन आपका राइट चला जाएगा। काफ़ी जो नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन देखिए सबसे पहले 6251, 6521, 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल है। इसमें 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 50। इसमें 5 का स्थानीय मान 500 होगा। इसमें 5 का स्थानीय मान 1000 होगा। क्लियर? 1000 और 500 कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। 1500 और 50 कितना होगा? 1550 हो जाएगा। तो यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ 5000 होगा। ठीक, 5000 और 500, 5550 और 50, 5550। तो 5550 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। क्लियर है फ्रेंड्स? बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं। पता है प्लेस वैल्यू से रिलेटेड हर शिफ्ट में एक सवाल आता है। 6/5 में कितने 1/10 हैं? अब मैं पूछूं 10 में कितने 2 हैं, तो आप क्या करोगे? 10/2 बोलोगे, 5 2 हैं, 2 2 के कितने हो जाएंगे? 2 2 के अगर आप ऐड करोगे तो 5 बैठेंगे। क्लियर? तो ऐसे पूछा है आपसे 6/5 में कितने 1/10 हैं, तो 1/10 का भाग लगा दीजिए, 5 × 2 = 10, 2 जाएगा 6 के पास, 6 × 2 = 12, तो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? बहुत समझ में आ रहे होंगे सवाल आपको, ऐसे ही सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। एक सवाल देखिए,
एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 AM पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13:48 के पश्चात पहुंच जाती है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय ज्ञात कीजिए। क्लियर है फ्रेंड्स, 6:14 का समय है, 6:14 AM। क्लियर, अपने गंतव्य स्थान पर 13:48 के पश्चात पहुँच जाती है। 6:14 के बाद 12 घंटे जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 6:14 PM हो गया, एक घंटा और जोड़ दिए 7:14 PM हो गया। क्लियर है, 7:14 PM। अब 48 मिनट और जोड़ दिए तो ये बनेगा आपका 8:02 के करीब बनेगा कुछ, तो 8:02 PM के करीब बनेगा। तो 8:02 PM आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, हमारे पास वैसे बहुत सारे सवाल हैं लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन सीटेट 2022 में पूछे गए क्वेश्चन हैं और आप सभी लोगों को मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे भी लगे होंगे। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।